नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर पूजा अंजनेकर है। आज मैं दोबारा आपके सामने एक बेहतरीन सा टॉपिक लेकर आई हूँ, जो नीड ऑफ आर मुझे लगता है। मैंने हाल ही में इसके बारे में सुना है कि ये 60% लोगों का प्रॉब्लम बन चुका है और इसके बारे में लोग मतलब रोज़ाना सफ़र कर रहे हैं, रोज़ाना इतना डिप्रेशन आ रहा है, रोज़ाना लोग इसके शिकार होते जा रहे हैं। तो मैंने सुना इसके बारे में हमें बात करना चाहिए, और मैंने पहले भी इसके बारे में बात की है, और मेरे पुराना वीडियो को मैं टैग कर दूंगी, आप प्लीज़ उसे देख लेना। और उसके साथ ये थोड़ा सा एलाबरेटेड वीडियो है टू द पॉइंट। ये वीडियो जो आपको बताएगा कि ये चीज़ें ये होती क्यों है और इससे आपको बाहर कैसे निकलना है, कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात करूंगी। तो मेरे साथ बने रहिएगा। जो मुझे पहली बार जान रहे हैं, मेरा नाम डॉक्टर पूजा अंजनेकर है और मैं आपके लिए ऐसे मोटिवेशनल और लाइफ रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर बात करती हूँ। मैं पर्सनल काउंसलिंग भी करती हूँ, ज़्यादा करके मैं जो स्टूडेंट काउंसलिंग होती है मैं उसमें रहती हूँ। मैं स्कूल की प्रिंसिपल हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर, मैनेजमेंटल सेक्टर को बिलोंग करती हूँ। 20 ईयर्स से मैं इस एजुकेशन सेक्टर में हूँ, और आप मेरे बहुत सारे वीडियोज़ देख सकते हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे। तो मेरे साथ बनने के लिए धन्यवाद, और अंत तक ज़रूर सुनिएगा। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्या पता उन्हें भी हेल्प हो जाए। और चलते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक आप जैसे टाइटल में पढ़े होंगे, लोनलीनेस के ऊपर है। लोनलीनेस हम सबको, सब जानते हैं कि लोनलीनेस मतलब क्या है। तन्हाई है, तन्हाई जो हर कहीं आपको महसूस होती है, आप उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे उठते बैठते, नींद में भी, सोते वक्त भी, कभी कभी नींद भी नहीं आती है। और इसी तन्हाई के कारण लोग बहुत सारे गलत राह पे पड़ते हैं, कोई ड्रग्स लेता है, कोई स्मोक करता है, कोई ड्रिंक करता है। और मैंने ये देखा है कि आजकल एडोलेसेंस के बाद, मतलब एज जो है एक 19, 20 के 22 के बाद भी लोगों का मतलब अचानक से उन्हें लोनलीनेस शुरू हो जाता है। टीनेजर्स से उनको लोनलीनेस शुरू हो जाता है, उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उन्हें केयर नहीं कर रहा है या उन्हें कोई प्यार नहीं कर रहा है, वो एकदम अकेले पड़ जाते हैं, और अकेले पड़ने के बाद वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये सब क्यों होता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो वन बाय वन मैं ऐसे चीज़ों के ऊपर बात करेंगी जो सच्ची में आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये शायद हम करते हैं इसीलिए हो रहा है। तो टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, ये लोनलीनेस हमें एहसास कब पेनिट्रेट करता है हमारे अंदर, या कब हमें ऐसा लगता है कि हम लोनली हैं। तो सबसे पहले जब हम किसी के साथ अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि भगवान ने हमें यूनिक बनाया है और हमारी लाइफ बहुत डिफरेंट है। कोई कस्टमाइज करके हमारी लाइफ नहीं बनाई है। हम जैसे लोगों की लाइफ देखते हैं, स्पेशली सोशल मीडिया पे, लोग बहुत अच्छी अच्छी खूबसूरत फोटोज़ डालते हैं सोशल मीडिया पे, वो कोई दुखी भरी फोटोज़ नहीं डालते हैं। तो उन जो भी सोशल मीडिया देखता है, उनको लगता है कि ये लाइफ ऐसी ही है, बट जैसे दिखता है वैसे होता नहीं है, ये हम समझना भूल जाते हैं। और स्पेशली बच्चे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं अपने दोस्तों के, जो उनकी लाइफ है उनके कंपेयर। एक छोटा सा भी 5-6 साल का बच्चा भी ये कंपेयर करता है कि मेरे फ्रेंड का कंपास बॉक्स मेरे से ज़्यादा अच्छा है और मुझे कंपास बॉक्स अच्छा नहीं मिल रहा है, तो इसके कारण मतलब मेरी लाइफ बहुत ख़राब है। दे डिक्लेयर, बहुत जल्दी वो कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि लाइफ बहुत ख़राब है। तो ये कंपैरिजन जो चीज़ है वो सबके साथ हो सकता है। एक मिडिल एज पर्सन के साथ भी कंपैरिजन हो जाता है, नॉर्मल ननंद और भाभी में भी होता है, देवर देवरानी में भी होता है। कंपैरिजन ये चीज़ होती है जिसके कारण हम अपने लाइफ को पोसते रहते हैं, और जिसके कारण हम अपने लाइफ को हमेशा डिफ्रेम करते हैं, हमारी लाइफ को हमेशा ऐसे सोचते हैं कि यार झंड हो गई ये दुनिया। तो ये अगर हम करना स्टॉप करेंगे तो शायद से हम थोड़ा सा लोनलीनेस को ओवरकम कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ जो मुझे लगती है वो है ऑकवर्डनेस। ऑकवर्डनेस हर चीज़ में, आप कोई चीज़ फील कर रहे हो, आप कोई चीज़ बताना चाहते हो, या आप कोई चीज़ का थॉट आया, आपके पास कोई होता ही नहीं बात करने के लिए, या होगा तो भी आपको ये डर लगा रहता है कि मैं क्यों बात करूँ, कैसे बात करूँ, पता नहीं वो मुझे जज करेंगे नहीं करेंगे, मतलब क्या सोचेंगे, मुझे बेवकूफ़ फील करेंगे। लाइक आज 5 साल का बच्चा भी ये रोने से घबराता है, आज वो डरता है कि अगर मैं रोऊंगा तो मेरे फ्रेंड्स हंसेंगे मुझ पर। तो ये इतना ऑकवर्डनेस आ गई है कि हम अपने आप को एक्सप्रेस करना भूल गए हैं, और जहाँ हम एक्सप्रेस नहीं करते खुद को, वही लोनलीनेस बहुत ज़्यादा पनपता है। वो एक के साथ होता रहता है, वो ऐसा नहीं है कि एक रात में पनप के बाहर आ गया, ऐसा नहीं है, वो पाइलाउन होते जाता है। तो जैसे पहले मैंने कहा कि आपका जो कंपैरिजन, जब आप करते हो कंपैरिजन करने के बाद आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, आपको एक ऑकवर्ड फीलिंग हो जाती है यार, और अपने अंदर ही आप घुटते रहते हो। उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगता है कि लैक ऑफ टुगेदरनेस,
आप जजमेंटल हो जाते हो, आप जज करते हो लोगों की, मुझे इसके साथ रहना है, इसके साथ नहीं रहना है, ये ऐसा है, ये वैसा है, और मुझे इसके साथ नहीं जमेगा, या मैं ग्रुप में नहीं एडजस्ट कर सकती हूँ, मैं अकेला ठीक हूँ, या मैं मतलब मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये सोच सोच के ना, मतलब हम टुगेदरनेस होता ही नहीं हमारा। टुगेदरनेस का मतलब क्या होता है? आप किसी के साथ होकर अपनी लाइफ जी रहे हो, उसके साथ चल रहे हो, आप उनके प्रॉब्लम को, अपने प्रॉब्लम को आप एक दूसरे में मिक्स करके एक दूसरे के साथ जी रहे हो। मतलब आप अपनी दुनिया अलग हिसाब से ऐसे सोच के नहीं चल रहे हो कि मेरी जंग है, ये मुझे ही लड़नी है, मैं किसी का सहारा नहीं ले सकता, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसे अगर हम सोचते हैं ना, तो ये टुगेदरनेस कहीं पर लैक हो जाता है, और इसी के कारण एक अंदर से डर महसूस शुरू हो जाता है हमारे, और वो डर इतना गहरा हो जाता है कि हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। फोर्थ थिंग इसी के साथ मिलता जुलता है कहीं पर, इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी तो आजकल हर चीज़ में इनसिक्योरिटी, अरे मेरा पोजीशन ले लेगा, मेरा पावर ले लेगा, पता नहीं अगर मैं इस डोमेन में काम कर रहा हूँ तो इस डोमेन से मेरा सब कुछ चला जाएगा। उनको ऐसे लगता है कि एक छोटी छोटी इंसिडेंट से उनका सब खत्म हो जाएगा। लाइफ में अगर आपने जीरो से शुरुआत करना सीखा है तो आपको हारने का डर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार आपने अगर किया है तो आप उसको बार बार कर सकते हो ना। व्हाई इट इज़ लाइक दैट कि आपको वो फियर है, इनसिक्योरिटी क्यों है कि मेरे हाथ से ये चला गया है, उसका मैं डर लेकर जीऊंगा, और इसी डर के कारण मैं एक अलग दुनिया में पहुंच जाऊंगा, जो दुनिया एकदम डार्क है, वो दुनिया मुझे कोई खूबसूरत नहीं लग रही है, वो दुनिया ऐसी है जहाँ पे मतलब पता नहीं यार, अजीब फीलिंग हो जाती है वो। फिर टुगेदरनेस के साथ ये मैचिंग होता है शेयरिंग एंड एक्सेप्टेंस। कोई जब आपके साथ रहता है, या कोई जब आपका फ्रेंड बनता है, स्पेशली आप फ्रेंड मानो या ना मानो, कोई आपको जानने की भी कोशिश करता है, उस वक्त भी आप उनसे शेयर करते हो डरते हो, आपको ये लगता है पता नहीं उसने मेरे बारे में ये इन्फॉर्मेशन जान ली तो पता नहीं वो मुझे हानि पहुंचाएगा, और ये बहुत सारे आर्टिकल्स में भी आपने पढ़ा है कि अपने बारे में मत बताओ इतना, अपने बारे में ये मत करो। हो सकता है आप नहीं बता रहे हो वो चीज़ें, पर उसके कारण आप शेयर नहीं करने के कारण आपको कितना बड़ा प्रॉब्लम होना, आपको नेगोशिएट करना है कि बाबा मेरे को शेयरिंग करना ज़रूरी है या मुझे लोनलीनेस पे ज़रूरी है। आपको लोगों को समझना है कि ये इंसान जो है क्या मेरा फ़ायदा उठा सकता है, या इंसान जो है या मेरी बात समझ के मुझे सिंपथाइज कर सकता है, इस टाइम पे मुझे क्या करना है, आपके ऊपर डिपेंडेड है। आपको ये समझना है कि अब मुझे शेयरिंग की ज़रूरत है, तो शेयरिंग आप बहुत सारी वे से कर सकते हो। आप अपने आप के से मिरर में रह के बात कर सकते हो, आप डायरी लिख सकते हो, डायरी लिखना बहुत अमेजिंग है, आप किताब लिख सकते हो, यू नो सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग ये होता है कि हम अपने लाइफ के ऊपर किताब लिखें, और जब हम किताब लिखते हैं तब हमें पता चलता है कि हमने बहुत ज़्यादा स्टुपिडिटी की है, और उसके साथ जब हम पढ़ते बहुत ज़्यादा है, बुक्स पढ़ते बहुत ज़्यादा है, तब हमें पता चलता है यार उसकी लाइफ और मेरी लाइफ भी सेम ही थी, उसने उस वक्त वो डिसीजन ले लिया था, इस वक्त मैंने ये डिसीजन ले लिया। तो शेयरिंग हर तरीके से हो सकता है। पुराने ज़माने में लोग आर्टिकल्स वो लेटर्स लिखते थे, तो वैसे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, नोट्स बना के रख सकते हो कि किस वक्त पे आपको क्या कैसा फील हुआ। जैसे लोग अभी डाइट फॉलो करते वक्त लिख के रखते हैं ना कि मैंने कौन सा डाइट कब फॉलो किया टाइमिंग के साथ, तो वैसे आप अपना थॉट, अपना जो भी आपके दिमाग में आता है वो सब लिख के रख सकते हो। फियर के बारे में तो मैं बात कर चुकी हूँ, बहुत पता नहीं क्यों बहुत 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 ज़्यादा फियर रहता है, और ये फियर हर चीज़ का फियर रहता है कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, मैं उस मतलब जैसे पार्टी में बुलाया है तो मैं पता नहीं अकेला रह जाऊँगा, मुझे पता नहीं लोग ट्रोल करेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये दुनिया के बारे में सोचते 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 ना हमारे दिमाग में दिल में मतलब ऐसा हो जाता है कि अच्छा मैं अकेला ही ठीक हूँ, और अकेले ने हम अकेला भी जीना नहीं सीखते हैं, अकेला जीना भी तो बहुत चैलेंज है। कभी मतलब मेरे एक वीडियो में मैंने कहा था कि खुद ही सोचो, मतलब आप खुद के ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट हो, आपको ज़रूरत ही नहीं है, अपनी खुशी के लिए आप खुद के ऊपर डिपेंडेंट हो। जब आपको ज़रूरत ही नहीं है कोई और आके आपको खुश करके जाए, तो लोनलीनेस किस चीज़ का। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने नोट की है वो सेल्फ पिटी। हर बार पता नहीं क्यों वो ऐसे करते हैं कि यार कोई मेरे पे दया खा जाओ, यार मेरी लाइफ झंड हो गई है, या मुझे पता नहीं मुझे अलग सा एक दुनिया दे दो यार, ये लाइफ तो पता नहीं मैं अजीब हो गई हूँ। तो दिस काइंड ऑफ सेल्फ पिटीनेस बहुत ज़्यादा होता है। ये सेल्फ पिटी जो एटीट्यूड है ना, इसको हमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, ये लोनलीनेस के लिए बहुत हार्मफुल है। आप सेल्फ इंकरेजिंग बनिए, सेल्फ पिटीनेस ये नहीं बना आपके लिए, आप सेल्फ मोटिवेटर बनिए। आप खुद को उस ऊंचाई पे रखिएगा जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे लिए सब पॉसिबल है, मैं नहीं हार सकता, मेरे में गिव अप देने का एटीट्यूड ही नहीं है, मैं डर नहीं सकता, मैं पीछे नहीं हार सकता, मैं ऐसे ही बनाऊँ, मैं
मैं कर लूंगा। सो दिस शुड बी योर मोटो कि जो भी है यार कर लेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा, इतना करके आया तो आगे भी कर लेंगे। तो ये माइंडसेट अगर आप होगा ना तो आप डरोगे नहीं, कभी अकेला फील नहीं करोगे। एक्नॉलेजमेंट और एप्रिसिएशन, हर एक को लगता है कि मेरी लाइफ में ना कोई अप्रिशिएट करने वाला ही नहीं है, मुझे एक्नॉलेज करने वाला ही नहीं है। मैं कुछ अच्छा काम करूँ तो कोई मुझे शाबाश के नहीं देता, या पर बार बार मैं अच्छा काम इसीलिए करता हूँ ताकि लोग मुझे नोटिस करें। ये बहुत सारा चीज़ है, पता है, स्पेशली बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अटेंशन गेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, वो खुद के लिए नहीं करेंगे, खुद को खुशी हो रही करके ये करेंगे नहीं, वो दूसरे को दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करेंगे। ये आप बहुत जगह पे आप देख सकते हो, भाई कोई चीज़ बांटने के लिए जा रहा है तो कैमरा साथ में चल रहा है। तो आप खुद के खुशी के लिए कोई चीज़ डोनेट कर रहे हो ना, क्या लोगों को दिखाने के लिए डोनेट कर रहे हो? तो ये चीज़ होती है कि आप एक्नॉलेज चाहते हो लोगों से, अप्रिसिएशन चाहते हो, और जब अप्रिसिएशन नहीं मिलता तो आप उदास हो जाते हो, आप लोनली फील करते हो, आपका कोई साथ नहीं दे रहा, आपको लगता है, आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं आप बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हो। तो अप्रिसिएशन, लैक ऑफ अप्रिसिएशन के कारण भी ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती। देन हमेशा ये लगना, आई नीड समबडी इन माई लाइफ, हमेशा ये लगना। देखो, पार्टनर होना बहुत ज़रूरी है, बट पार्टनर ही से लाइफ चलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हो बहुत सारे लोग हैं सिंगल लाइफ भी बहुत अच्छे से जीते हैं, वो खुद में ही बहुत खुश होते हैं, उन्हें कोई और खुश करने वाले की ज़रूरत नहीं होती, वो समझ चुके होते हैं लाइफ को कि मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है। पार्टनर, फैमिली या जो भी है, सब पार्ट एंड पार्सल है आपके लाइफ में, वो रहेंगे ही, आएंगे जाएंगे, दुख आएंगे जाएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे जाएंगे। स्टेबल क्या है? स्टेबल आपकी खुशियाँ है, आपकी चॉइस है, आपको वो लेनी है, आपकी चॉइस है। मैं रोऊँ हंसूँ, मैं खुश हूँ, मैं घूमूँ, मैं फिरूँ, मैं खाऊँ, ये आपकी चॉइस है। आपको अगर कोई प्रेशर कर रहा है वो है समाज, और वो आपका दृष्टिकोण, आपका थॉट्स। आप ऐसे अलग भरी दुनिया के थॉट्स में चले जाते हो जिस थॉट्स का कोई टेल हेड ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है ऐसे थॉट्स का, आपको वो सच मानना शुरू हो जाता है। बोलते हैं ना कि हम कोई झूठ बार बार बोलते हैं तो वो सच मानने की हो जाता है। यार, कौवा पीकॉक की जगह नहीं ले सकता। कुछ चीज़ें है जो आप कर सकते हो, कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं कर सकते हो। मेरा मानना है कि हर चीज़ आप कर सकते हो, आप में हर चीज़ की पोटेंशियल है, बस हिम्मत की ज़रूरत है, एक पेशेंस की ज़रूरत है, एक होप्स की ज़रूरत है, एक नेवर एंडिंग गोल की आपको आह रखनी, चाह रखनी है कि बाबा ये मैं करके दिखाऊंगा ही। बट वो मेजरेबल होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना भी ज़रूरी है, बट उसके साथ आपको देखना है कि ये करना कितना ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो कि एक चीज़ के पीछे आपको लाइफ दे दो, जैसे एक लड़की कोई पसंद आ गया और उसके पीछे आप लग जाओ पूरा, अपना 3 साल बर्बाद करो, 30 साल बर्बाद होने के बाद बोलोगे यार मैं तो पता नहीं उसके पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठा। ऐसा नहीं है, मेजरेबल होप्स होनी चाहिए। होप्स भी आपको देखना है कि उसका स्कोप कहाँ तक है, उसका डेप्थ कहाँ तक है, क्या ये ज़रूरी है मेरे लाइफ के लिए, वो देखकर आपको करना है। हमेशा आपकी लाइफ एक बैलेंस लेवल पे लेके जाइए, एक ऐसी लाइफ जिसमें हर चीज़ हो। कभी इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए मत डरिएगा, खुशी हो रही है खुशी एक्सप्रेस कीजिए, दुख हो रहा है रोना आ रहा है रो दीजिए, हर एक इमोशन ज़रूरी है, गुस्सा आ रहा है, एंगर हो रहा है, हर चीज़ एक ज़रूरी है। आप न्यूट्रल रह के ज़्यादा टाइम तक नहीं जी सकते। आप ये बोलोगे नहीं मुझे गुस्सा आता ही नहीं है, वो उसके ऊपर मात की होती है लोगों ने, इसलिए उन्हें गुस्सा नहीं आता। और एक इंडिपेंडेंट, एक आइडल पर्सन जो रहता है उसे गुस्सा आता है, उसको खुशी होती है, उसको दुख होता है, उसको हर चीज़ होती है। आप ह्यूमन है, हमें हर चीज़ होती है, तो ये नोट करना बहुत ज़रूरी है। फिर हो गया, आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करते, खुद की कंडीशंस को एक्सेप्ट नहीं करते। आपको ऐसा लगता है कि यार ये कंडीशन मेरे साथ हुई क्यों, आपको ये लगता है यार मुझे एक्सेप्ट नहीं करना है, ये जो चैलेंजेस हैं प्रॉब्लम्स हैं मैं इसके लिए नहीं बना। देखो, आप ये खुद को बोल सकते हो, पर इसके बाद आप खुद को भी इसमें से ओवरकम करने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा आपको। आपको देखना पड़ेगा कि ये अगर आप आपके लिए नहीं बनाया तो आप उस किस्म से बाहर कैसे निकाले। आपको ये देखना है कि बाबा चलो ठीक है, ये जो मेरे साथ हो रहा है या ये जो भी गलत है इसको मैं ओवरकम करूँ, और उसके लिए मैं अपनी सारी ताकत लगा दूँ, अपनी सारी पढ़ाई लगा दूँ, अपनी सारी स्किल्स लगा दूँ, या मेरा सारा समय जो है मैं पहले प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर मुझे क्या ज़रूरी है वो मैं करूँ। तो खुद का कंट्रोल खुद के ऊपर होने से ही लाइफ स्ट्रांग बनती है। लोगों से, समाज से, ये जो हमारा बिलीफ सिस्टम बना पड़ा है, स्पेशली मोस्ट ऑफ द इंडियंस का जो बिलीफ सिस्टम बना है ये सालों साल का है, हज़ारों, मैं कह सकती हूँ शायद 100 साल, 200 साल पुराना, 300 साल पुराना है। जो मतलब मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे या उनके पेरेंट्स ने जो उनको सिखाया,
वो ही आगे बढ़ बढ़ के थोड़ा बहुत नमक मिर्ची लगा के स्पाइस करके इधर उधर करके वो कैरी फॉरवर्ड हुआ है, कैरी फॉरवर्ड होके वो एरा ट्रांसफॉर्मेशन में हुआ है। बट कितनी चीज़ें आपको सूट करती है वो भी आपको देखना है ना। आपका नेचर डिफरेंट है, उस वक्त का समय और आपके समय में भी बहुत डिफरेंस है। आपको देखना है कि ये चीज़ें मेरा सच्ची में बिलीफ सिस्टम जो ख़राब कर रहा है, ये सोसाइटी भी हमारी ऐसी है, कुछ बहुत ज़्यादा घिसी पिटी परंपराओं को फॉलो करती है और इसी से ही अपना सोसाइटी ऐसी ही चलती करके बनाते हैं। आपको देखना है कि आपको सोसाइटी के लिए जीना है, खुद के लिए जीना है, किस चीज़ के लिए जीना है, क्योंकि आप आते अकेले हो, आप जाते अकेले हो, लोगों का काम है बोलना, आप किसी को भी खुश नहीं कर पाओगे। पहले खुद को खुश करो और खुद को खुश करने के लिए ऐसी जो चीज़ें करनी है जो आपको हैप्पी रखती है, और वो हैप्पी आप ऐसा खुशियाँ होना चाहिए जो आपके लाइफ को और ग्रोथ की तरफ लेकर जाए, ना कि नीचे गिराए। कि कोई बोलेगा हाँ नहीं मुझे तो शराब पीने से बहुत खुशी मिलती है, अरे वो एक एक्सक्यूज़ है। आपको खुद को भी पता है कि भाई शराब मेरी बॉडी को स्पॉइल कर रहा है, पर आप क्या करते हो ना, एक पैक से क्या होता है, एक पैक से क्या होता है करके आप कंटिन्यूसली शुरू हो जाते हो। या बहुत सारे लोग होते हैं जो अननेसेसरी किसी भी चीज़ को अपने उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं और उसी को अपनी लाइफ बना लेते हैं। अरे ये ज़िंदगी नहीं है यार, ज़िंदगी जीने का नाम है। अगर आप जियोगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि हर एक मोड़ पर एक नया कलर है, हर एक मोड़ पर एक नई ज़िंदगी है, हर एक मोड़ पर एक नई खुशियाँ है। खुशियों को एक नया डेफिनेशन दो, खुशियों को एक नए लेवल पे ले जाओ। और मैं ये कहना नहीं चाहूँगी, बहुत सारे लोग किक के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं कि यार इस चीज़ से किक आ रहा है, इस चीज़ से नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, इस चीज़ से मज़ा आ रहा है, वो उनके जीने का तरीका है। कंपेयर मत करो, आपके साथ आपके लाइफ का बॉटल लाइन क्या है वो देखो और इस हिसाब से अपने हम को हमेशा जकड़ो मत ये सोच कर कि यार मैं ऐसे जीऊँगा तो कैसे होगा, वैसे जीऊँगा तो कैसे होगा। कुछ नहीं होगा, जी लो, आपकी मर्जी से जियो, जो होगा वो होगा, वो आपका स्ट्रेंथ होगा। अब जब पैदा हुए तब से अभी तक आपने हर वो चैलेंजेस को पार किया है ना, तो क्यों ऐसा सोच रहे हो कि आगे जाके आप चैलेंज को पार नहीं कर पाओगे। अब कर पाओगे, हर चीज़ कर पाओगे, बस आपके अंदर का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक बहुत सारी एक चीज़ें आई है, नो इन्वॉल्वमेंट। सोशल मीडिया के ज़माने के बाद से क्या हो गया, लोग अपने आप में लगे रहते हैं, वो किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होते, ना पार्टीज़ में जाते हैं, ना फ्रेंड्स को मिलने जाते हैं, रिश्तेदारों से दूर की बात हो गई है, फ़ोन वीडियो कॉल पे सब चीज़ होने लग गया। तो कभी ऐसे गए हो मंदिर, कभी ऐसे गए हो घूमने, ऐसे कहीं निकल पड़े सोलो ट्रिप पे, फैमिली के साथ ऐसे चल पड़े, कभी बिना मतलब का ऐसे चले गए विंडो शॉपिंग करने के लिए, घूमने के लिए, टहलने के लिए। देखो खुशी किस चीज़ में होती है, अपनी खुशी अपने को डिफाइन करनी है। इन्वॉल्वमेंट हर चीज़ में होना बहुत ज़रूरी है, कभी लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व करो, आप किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाओ। घर गृहस्थी से भी आगे जाके भी लाइफ बनती है, आपको खुद में ये देखना है कि मुझे किस चीज़ से खुशी मिलती है, वो चीज़ को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये मैं बताने कैसे भूल गई, बस सेल्फ कॉन्शियसनेस और लो सेल्फ इस्टीम, ये दो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। लो इस्टीम मतलब हर वो चीज़ में किसी नए चीज़ को करने से पहले इतना डर अंदर से भरा रहता है और उसी डर के कारण इतनी एंग्जाइटी, इतना कॉवर्डनेस, इतना सारे चीज़ें भाग जाते हैं हम उस चीज़ को छोड़ के। और जब भागते हैं तो रिग्रेट होता है, और रिग्रेट होता है फिर खुशी नहीं होती है हमें कि यार हमने अपनी लाइफ का ये कीमती समय जो है हमने कुछ गलत चीज़ करके बिता दिया। लाइफ आपकी है, वो बुक आपकी है, वो किताब आपकी है जो आप लिख रहे हो अपनी लाइफ की, उसमें गलत सलत अच्छा बुरा सब एक यूनिक है, डिफरेंट है, नया है, कुछ तो है जो आप बना रहे हो, आपकी हर वो स्टेप से बन रहा है। आपके पास चॉइस है, चॉइस इज मोर इम्पोर्टेंट वर्ड। आप अगर जो चीज़ करोगे वही चीज़ आप पाओगे, गलत करोगे तो गलत पाओगे, अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे। और एक नज़रिया मेरा ऐसा है कि जो भी आप करो, आप जो भी करो, गलत कर रहे हो तो एक्नॉलेज करो, आप उसको गलत करो, उसको सुधारो। और गलत भी आपके नज़रों में आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने वाला गलत, और आपके कारण किसी और की लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है वो गलत। किसी भी लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए। आपकी खुशी के लिए आप किसी को हर्ट करो, आप किसी को ब्रेकडाउन करो, आप किसी का लाइफ बर्बाद करो, ये खुशी नहीं होती है, ये आप सेल्फिश हो रहे हो। सेल्फिश नहीं होना है, आपको जीना है और खुशी से जीना है। और खुशी जो है आपको अपने हिसाब से डिफाइन करनी है। किसी लोग को किताब पढ़ने में खुशी होती है, किसी को लाइफ चिल करने से खुशी होती है, किसी को काम करने में खुशी होती है, किसी को फैमिली के साथ खुशी होती है, किसी को किसी के साथ बात करने में खुशी होती है। खुशी को स्पेसिफिकली डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुशी को डिफाइन नहीं करोगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू अंडरस्टैंड। नहीं तो क्या हो जाता है, एक चीज़ खत्म हो गई, नीड खत्म हो गया और फिर दुखी हो गया।
किसी को लगता है यार मैं एक लेवल पार कर दूंगा ना तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। नहीं, खुशी ऐसी नहीं होती, एक डिफाइंड खुशी होती है जो अंदर से आपको पीस लाती है। जिंदगी जीने का सलीका, एट द एंड आई कुड से आपका जीने का सलीका जो होता है वो आप डिसाइड करोगे, और आप जब डिसाइड करते हो तो उसमें आपको ये देखना है कि आपके किसी भी स्टेप्स के कारण कोई भी हर्ट नहीं हो रहा है, किसी का भी लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, और बस ग्रोथ की तरफ आपको आपके लाइफ को ले जाना है। पॉजिटिविटी से, एक काइंड ऑफ डायरेक्शन से अपनी लाइफ को एक हमेशा अपना बेस्ट वर्जन बनाना है। कल जो आप थे, जो मिस्टेक्स आपने किए थे वो आपको नोट डाउन करके रखना है, वो मिस्टेक्स आपको दोबारा नहीं करना। ट्रस्ट करना सीखना है, खुद में बिलीव करना सीखना है, खुद में कॉन्फिडेंस रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है, कि ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है। भाई मैं तो चलती ट्रेन से कूद जाऊँगा, ये ओवर कॉन्फिडेंस है, ये बेकार है यार। मैं जैसे बोलते हैं ना, मैं तो डर भी खेलता हूँ, मैं किसी भी लंगड़े लूले घोड़े पर भी बाजी मार लेता हूँ तो मैं जीत लूँ, ये डायलॉग बाजी है, इससे कुछ नहीं होता। एक्चुअल फैक्ट में जिए। एक्चुअल फैक्ट क्या है कि क्या होता है, एक्चुअल फैक्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। लोग तो आएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, जाएंगे, दिल बहलाएंगे, आ जाएंगे, पर एक्चुअल में एंड ऑफ द डे आपको जीनी है वो ज़िंदगी। आपको एक क्रिटिकल थिंकिंग करके, सेल्फ को समझ के कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे मुझे लॉन्ग टर्म तक, लाइफ लॉन्ग तक एक सुखी, एक समृद्धि भरा पर्सन बनाएगा। सेटिस्फैक्शन ऑफ लाइफ, ये चीज़ जो है ना, ये बहुत सारे लोग सिर्फ किताबों में सुनते हैं। लोग बोलते हैं योगा करने से मेरे लाइफ में एक अलग चेंज आया, आया है, क्या पता किसी के लाइफ में कोई ज़बरदस्ती से योगा करता होगा, पर किसी को खुशी मिलती है उससे। एक लाइफ को एक डिसिप्लिन रोल में अगर आप डालोगे तो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन मोड पे आएगा, और ये लोनलीनेस जैसे चौसलों से आप दूर हो जाओगे। ये मुझे अकेला रहना पड़ रहा है, मेरा मानना है कि अकेला जब हम रहते हैं तो वही एक वक्त रहता है जब हमारे अपनी लाइफ के लिए, हमें करने के लिए बहुत कुछ मिलता है, बहुत मतलब बहुत कुछ। आप अपने लाइफ के 24 घंटे को बहुत अच्छे से डिफाइन करके बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, अपने शौक्स पूरी कर सकते हो, अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हो, अपने फैमिली को इक्वल लेवल ऑफ टाइम दे सकते हो, कॉन्क्रीट लेवल का थिंकिंग कर सकते हो, प्रोडक्टिव वे में अपना टाइम यूज़ कर सकते हो। मेन चीज़ है, हम भूल गए सोशल मीडिया के कारण अपनी लाइफ प्रोडक्टिव वे में यूज़ करना। जो भी चीज़ आप कर रहे हो, आपको ये देखना है कि ये मेरी लाइफ को कितना बेनिफिट कर रहा है। जो भी चीज़ हो गई, कोई चीज़ किसी को दिखाने के लिए मत करिएगा। ये चीज़ें जो होती ना कि भाई मेरे में इतना पावर है, मेरे में इतना ताकत है, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, ये डायलॉग बाजी है। एक्चुअल फैक्ट जब आती ना तो भाबा डेंजरस लाइफ हो जाती है। तो एग्रेशन, लोनलीनेस, ये सारा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और लोनलीनेस लीड्स टू डिप्रेशन, और ये हमारे 80% पीपल के अंदर डिप्रेशन है। छोटा छोटा बच्चा डिप्रेस हो रहा है, खुद के अंदर की दुनिया से लड़ नहीं पा रहा है। बाहर की जंग तो बाद में आती है बेटा, अपनी अंदर की जंग बहुत इम्पोर्टेंट है। और जिस दिन आप अंदर की जंग से मात कर लोगे ना, आप एकदम शांति से जियोगे, शांति से उठोगे, शांति से सोओगे, तो शांति बहुत इम्पोर्टेंट है। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और मेरे पुराने जो वीडियोज़ हैं लोनलीनेस के ऊपर, आप ये भी जाके देखिएगा, रिलेट कर पाओगे उसके। और मैं आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार करूँगी, कोई पॉइंट शायद मैंने मिस किया होगा। और मैंने ये नोटिस किया है कि मेरे ना वर्ड्स को ना लिटरली लेकर लोग थोड़ा सा नेगेटिव इमेज फैलाते हैं। तो गाइज, मेरा सिर्फ इतना मोटिव रहता है कि जिस तरह मैं अपनी लाइफ को बहुत खुशी से जीती हूँ, अपनी लाइफ को बहुत इंटरटेनिंग और हर वो रूप में जीती हूँ, वैसे ही मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी फेलो सिटीजन्स है या फेलो ह्यूमंस है वो खुशी से जिए, उनकी लाइफ में भी एनर्जी आए, उनको भी मज़ा आए ज़िंदगी जीने में, जो भी वो काम करें उस वो काम से उन्हें सेटिस्फेक्शन मिले। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद, और दोबारा मैं आपके साथ ज़रूर मिलूँगी। थैंक यू।